हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। अगर आप जैसलमेर राजस्थान का टूर प्लान कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या फिर हमारी तरह कुछ दिन आकर जोधपुर में गुजारिए, यहां के जायके का आनंद लीजिए, आप खूब इंजॉय करेंगे। यहां की कचौड़ी के तो क्या कहने, बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने 100 साल पुरानी दुकान में जाकर गुलाब जामुन का टेस्ट भी खूब इंजॉय किया। जोधपुर आगे कचौड़ी तो जितनी खा लो उतनी कम है। इस समय मैं प्याज कचौड़ी खाने पहुंचा हूं सूर्या नमकीन पर। कचौड़ी का साइज देखो, यहां पर कोई आलू की सब्जी साथ में नहीं मिलती है, कोई चटनी नहीं मिलती है। फर्स्ट फील जो मिल रही है कचौड़ी हाथ में आते ही कि ऑयल की मात्रा बहुत कम है। ऐसा पूरा पकड़ के दबा भी लिया तो भी मेरे को हाथ में ऑयल की फीलिंग नहीं है। कचौड़ी बहुत खस्ता है। ये बहुत फेमस कचौड़ी है, प्याज कचौड़ी। ये देखो आप अंदर की स्टफिंग बहुत ही खूबसूरत और अच्छे से लोडेड है। क्या मसाले का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। मतलब एक पहली बाइट लेते ना, मेरे को जो फर्स्ट फील आ रही है वो ये है, इससे ज्यादा टेस्टी कचौड़ी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। मतलब अनबिलीवेबल, इतनी टेस्टी। ये मसाला लगाया और आपने इस तरह से बाइट ली। बहुत सारे गरम मसाले, चटपटा सा स्वाद, और ये काजू की स्टफिंग भी है इस मसाले के अंदर। क्रिस्पीनेस तो मतलब आप देख ही रहे हैं किस तरह की है। मजा आ रहा खाने में इसको। एक से काम नहीं चलेगा, एक और खानी पड़ेगी। कचौड़ी खाने के बाद ना आपका मन करता है कुछ ठंडा हो जाए, कुछ गर्म हो जाए, लेकिन ये खाने के बाद ना मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस दो कचौड़ी खाओ और अगले एक से दो घंटा कुछ मत खाओ, बिकॉज मैं ये टेस्ट बिगाड़ना नहीं चाहता। सो गुड, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है इस तरह का टेस्ट इंजॉय करना जोधपुर में, इससे छोटा शब्द नहीं है। जोधपुर आप आएंगे तो आपको पाली का हलवा के बारे में सुनने को मिलेगा। इस समय मैं पाली का हलवा खाने के लिए गुलाब हलवा पे आया हूँ। सामने हलवा आ भी चुका है। तो इनकी मेन जो ब्रांच है वो पाली में, जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। अब इस हलवे का आप टेक्सचर देखो, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में खाता हूँ और बताता हूँ। बेसिकली ये मावा है। मावा वैसे सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन मावा बन जाने के बाद आप भट्टी में उसको सेकते रहो तो उसका रंग इस तरह से ब्राउन में हो जाता है और दानेदार सी शेप आ जाती है। सोर्स दूर है, पाली का हलवा के नाम से ये मशहूर है। मीठा, टेस्टी और मज़ेदार। मैंने इनसे पूछा 6 से 7 दिन तक आप इसको रूम टेम्परेचर में रख सकते हो, फ्रिज में इसको नहीं रखना होता, नहीं तो शेप भी खराब हो जाएगी और टेस्ट भी खराब हो जाएगा। बहुत सॉफ्ट है, देखो ऐसा पकड़ो तो एकदम हलवा बन जाता है। जोधपुर में मिर्ची वड़ा इज एनी टाइम स्नैक, ब्रेकफास्ट, लंच, शाम को 8 बजे 9 बजे जब आपका मन करे। मैं यहाँ पर चौधरी नमकीन आ चुका हूँ आज के दिन की शुरुआत मिर्ची वड़ा से करने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्म है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको ठंडा होने के लिए। वैसे शॉप पे भीड़ देख के इतना अंदाज़ा तो ज़रूर लग रहा है कि काफ़ी पॉपुलर शॉप है मिर्ची वड़ा के लिए। हाँ, अब थोड़ा ठंडा हो गया। मेरे को याद नहीं आ रहा पिछले 1.5 साल में मैंने कहीं मिर्ची वड़ा खाया हो, लेकिन ये मैंने ज़रूर सुना था कि जोधपुर का मिर्ची वड़ा खाओगे तो याद करोगे। और अब मैं मिर्ची के साथ बाइट लेने वाला हूँ। ये मिर्ची का स्वाद ना एकदम अलग है। हम जो मिर्ची खाते हैं उसके मुकाबले में साइज में ये मिर्ची बड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ। आलू की स्टफिंग
हल्की की खटास है, अनारदाना, गुड स्टफिंग। आपको मिर्ची का साइज दिखाने के लिए ना मैंने मंगा लिया है, ये देखो आप मिर्ची कैसी दिख रही है। अभी इनको मैं वापस करता हूँ। लो सर, धन्यवाद, थैंक यू। मिर्ची वड़ा बहुत बढ़िया लगा, पहली बार खाया मैंने मिर्ची वड़ा, लेकिन याद रहेगी हमेशा। मेरे को बाकी लग रहा है, और हो सकता है जाने से पहले मैं दोबारा आ जाऊं। थैंक यू। लोकल ऐप है, इसका नाम है मेरी ऑटो एंड कैब। अभी हम सरदारपुरा एरिया में खड़े हैं और हमको जाना है जलोरी गेट। ऑटो इज अवेलेबल, बाइक, कैब, कैब। 3 मिनट के डिस्टेंस शो कर रहे हैं, बुक नाउ। लहसुन के कोफ्ते मैंने आज तक कभी इस तरह का नाम नहीं सुना, चल के फाइंड आउट करते हैं। सर, ये लहसुन का कोफ्ता क्या होता है? आलू के मसाले को लहसुन प्याज में फ्राई करके उसको मसाला बनाते हैं, फिर उसको बेसन के लेप में फ्राई करते हैं। अच्छा, ये है क्या? ये पीस है। मेरे को एक दे दीजिए। अच्छा, आपके पास है समोसा, कचौड़ी, मिर्ची वड़ा भी है। ये देखो आप अंदर की स्टफिंग, वाह। लहसुन के तो सबसे पहले दर्शन हो गए, खुशबू भी आ गई है लहसुन के कोफ्ते में। वाह, ये भी देखो कितनी कमाल की चीज है, कि इस तरह का पकोड़ा कहो, बोंडा कहो या कोफ्ता कहो, बड़े सारे नाम बोल सकते हैं, लेकिन लहसुन का अच्छे से स्ट्रांग फ्लेवर है, मजेदार है। इनफैक्ट जो गेम है ना वो आलू मसाले की है और ऑब्वियसली लहसुन के फ्लेवर की है। आलू मसाले के स्टफिंग में हल्की हल्की खटास है, बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को ये खाने में। यहाँ पर लोकल्स इसको पसंद करते हैं ब्रेड के साथ, और अंदर ना मिर्ची तेज है। मैंने सुना था कि राजस्थान में जब आप जाओगे तो आपको काफ़ी डिश के अंदर ना काफ़ी चीज़ों में मिर्ची तेज मिलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस आज पहली बार हुआ है। बाकी फूड के अंदर तो मिर्ची इतनी तेज नहीं थी, इसमें तेज है। गुड कॉम्बिनेशन ब्रेड का इस तरह के लहसुन कोफ्ते के साथ। नसरानी थिएटर रोड पर IDBI बैंक के सामने है, हम भवानी पर दाल बाटी चूरमा खाने आए। ये भाई साहब हमको किचन में लेके चल रहे दिखाने के लिए कैसे तैयार की जाती है बाटी को और दाल को। बाटी बनाने के लिए लाल गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है, बारिश के पानी से इस गेहूं की उपज होती है। टेक्सचर के अंदर हल्का हल्का लाल सा रंग दिख रहा है। राइट हैंड साइड में जो आप प्लेट देख रहे हैं इसके अंदर नॉर्मल कनक है जिससे रोटी तैयार की जाती है गेहूं की। गेहूं को पीस कर इन्होंने आटा बनाया और उससे ये बाटी तैयार करी। इनके पास ये अवन है, इसमें तैयार बाटी को 12 मिनट के लिए अवन में डाल रहे हैं। अगर आप देखो भट्टी का जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर गैस चल रही है, उसके ऊपर एक तवा है, उस तवे की हीट से ये बाटी तैयार होगी। लेफ्ट और राइट साइड में ईंटें दिखाई दे रही हैं पड़ी हुई, तो ये पूरी उसकी हीट से बाटी तैयार होगी। दाल बाटी चूरमा तैयार होकर हमारे टेबल पे आ चुका है। चूरमा इन्होंने ऐसे लड्डू की फॉर्म में दिया। अब इसको खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को दाल को बाहर निकालना पड़ेगा और फिर हम शुरू करेंगे घी के साथ। इस तरीके से बाटी का चूरमा बनाया जाता है, गर्मा गर्म है। बाटी अभी भट्टी से ही निकली है, मैंने देखा कि ये लोग बड़े खूबसूरत ढंग से इसको तैयार कर रहे थे। इसका मज़ा लेने के लिए थोड़ा सा अपने को घी डालना चाहिए, ये हुई ना बात। जितना अच्छे से बाटी का चूरा दाल में मिलेगा और उसमें घी जाएगा उतना स्वाद ज़्यादा आएगा, इतना तो मैं जानता हूँ इस कॉम्बिनेशन के बारे में। टू गुड, वाकई बड़ा ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है दाल और बाटी का। अगर आपने कभी नहीं खाया तो राजस्थान जब भी आप आएंगे आप ज़रूर खाना, बहुत इन्जॉय करेंगे। बड़ा हेल्दी फूड है हर लिहाज से। बाटी को हमने देखा कैसे अवन में बना रहे थे, और ये जो दाल है इसकी अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इसके अंदर मसाले बहुत लाइट लेवल पे हैं,
सिर्फ ये है कि मिर्च ज़्यादा है राजस्थानी फूड के अंदर। मेरे को पता लग गया है कि तीखा रहता है, अभी तक मैंने जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं। ये जो आप देख रहे हैं लड्डू, ये है चूरमे का लड्डू। बाटी के चूरे से ही इसको तैयार किया गया, ऑब्वियसली थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और चीनी डाल के इस तरह के लड्डू को तैयार करते हैं। बहुत मजा आया, वो तीखा बनना ये खाने से खत्म हो गया। जोधपुर के बाद हमको जैसलमेर भी जाना है, मैं वहाँ पर भी दाल बाटी खाऊंगा। और वैसे जो दाल बाटी की राजस्थान में शुरुआत हुई वो जोधपुर से ही हुई है, तो जोधपुर अगर आप आएंगे तो दाल बाटी तो खाना 100% बनता ही है। हम यहाँ पर हार्ट ऑफ द सिटी में रुके हैं, घंटाघर से 200 मीटर दूर जीरी हवेली में। बाहर से देखने में डिजाइन लुक्स एकदम हवेली जैसा है, रूम साइज बड़ा है। ट्विन शेयरिंग बेसिस पे 2300 रुपीज हमें टैरिफ पड़ा है। गुलाब सागर लेक एकदम सामने है और बाजू में जलकुंभी के प्लांट दिखाई दे रहे हैं। टेरेस में आकर मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू एकदम सामने आता है, क्लियरली दिखाई देता है। और उम्मेद भवन हमारी बैक साइड पे है, तो एक तरह समझ लीजिए ब्लू सिटी का व्यू काफी अच्छे से दिखाई देता है इनके टेरेस से। हमने यहाँ पर फूड नहीं खाया, सिर्फ मॉर्निंग में चाय पीते थे और बाकी मील्स बाहर। हॉस्पिटैलिटी मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, वॉज एट इट्स पीक। वैसे भी राजस्थान हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत मशहूर है। ग्रेट स्टे, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट दिस प्लेस। उम्मेद भवन जोधपुर रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है। जितना ये अपने साइज के लिए फेमस है, ऑलमोस्ट उतना ही फेमस है ये अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए। उम्मेद भवन की कंस्ट्रक्शन 1929 में स्टार्ट हुई और 1944 में कंप्लीट हुई। ये पूरी प्रॉपर्टी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। लगभग 75% पोर्शन में लग्जरी होटल है, 20% एरिया के अंदर रेजिडेंस और 5% में म्यूजियम। म्यूजियम में हमने देखा चाबी से चलने वाली काफी सारी घड़ियां, महाराजा की फोटोग्राफ्स, ऑयल से चलने वाला फैन, ग्रामोफोन और भी काफी कुछ। म्यूजियम के पास ही आप विंटेज कार्स भी देख सकते हैं, यहां पर लगभग 9 विंटेज कार्स आकर आप देख सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा आप यहां पर आकर अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ओल्ड सिटी में अंदर जाते गए तो हमें दो चीज़ का एहसास यहाँ पर हो रहा है। पहली बात, छोटी छोटी गलियाँ देखकर जैसे हम हिस्ट्री में चले गए हों, और दूसरी चीज़ मिठाई की दुकान और उसमें भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ के लोग मीठे के काफ़ी शौकीन हैं। इन्होंने मुझे बताया 100 साल से ज़्यादा पुरानी शॉप है आपकी। मुझे बहुत लोगों ने बोला आपको इससे टेस्टी गुलाब जामुन एटलीस्ट जोधपुर में नहीं मिल सकता, दिस इज़ द बेस्ट। अब गुलाब जामुन तो हमने लाइफ में बहुत खाए हैं, लेकिन इतना बड़ा क्लेम कि इससे बढ़िया नहीं मिलेगा, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ये देखिए आप गुलाब जामुन दो टुकड़ों में, बहुत ही ज्यादा रिच टेस्ट है। पहली बार खाते ही एक बात तो मेरे को बड़ी क्लियर समझ में आ गई, इसके अंदर जो मावा इस्तेमाल हुआ है ना अति उत्तम है। मीठा बहुत लिमिटेड लेवल पे है, तो कुछ लोग ज़्यादा मीठे को परहेज करते हैं, तो चाशनी में ज़रूर है ऑब्वियसली, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। कंप्लीट गेम इसके अंदर मावे की है, एक्सीलेंट। एक से काम नहीं चलेगा, एक और लेके आता हूँ, एक सर रोल दो, वाकई मज़ा आया। विदाउट अ डाउट मेरे आज के इस एक्सपीरियंस के बाद मैंने इससे ज़्यादा टेस्टी गुलाब जामुन कहीं नहीं खाया, दिस इज टू गुड। इनके टाइमिंग्स है सुबह 7 बजे से लेके शाम को 9:30 बजे तक। मतलब आप कौन सी जनरेशन है? फोर्थ जनरेशन है। वेरी गुड, मेरे को बहुत पसंद आया आपका गुलाब जामुन, थैंक यू सर। यहाँ पर हमारे ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपके जोधपुर से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो हमसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम।